बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने उर्दू के वीडियो सबक नंबर 1 का आगाज करेंगे। आज हम हम्द के मुतालिक पढ़ेंगे, जो कि हमारी किताब के सफ़ा नंबर 1 पर मौजूद है, और हम इससे मुंसलिक सवालात के जवाबात भी देंगे। आज के लिए दरकार वसाइल हैं स्मार्ट उर्दू की तीसरी किताब, कापी और कलम। आज के इस सबक के आखिर में हम इस काबिल हो सकेंगे कि हम का मतलब बता सकें, हम्द में मौजूद मुश्किल अल्फाज के मतलब बता सकेंगे, हम से मुंसलिक सवालात के जवाब दे सकेंगे। हम्द जी, तो प्यारे बच्चों मुझे बताएं हम्द क्या होती है? क्या आप बता सकते हैं? क्या आपने कभी किसी हम्द का मुतालिया किया है? तो कोई आप में से मुझे बता सकता है? जी, तो हम्द होती है अल्लाह की तारीफ में कही जाने वाली नज़्म। आज हम एक ऐसे ही नज़्म का मुतालिया करेंगे जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ की जा रही है, और हमें पता चलेगा कि हम्द क्या होती है। चले फिर, अब हम तीसरी किताब के सफ़ा नंबर 1 पर मौजूद हम्द पढ़ेंगे। अब सब आप अपनी किताबें खोलें और सफ़ा नंबर 1 पर मौजूद हम्द का मुतालिया करें। जी, तो प्यारे बच्चों ये हमारी किताब का सफ़ा नंबर 1 है। अब हम इस हम्द का मुतालिया करेंगे। ज़मीं का मालिक, आसमां का मालिक, मेरा खुदा दो जहां का मालिक, शजर हजर पहाड़ और मैदान, फूल फल गुलिस्तां का मालिक, चांद सूरज चमकते सितारे, इल्म अकल और जां का मालिक, दरिया समुंदर बरसता बादल, साकिन आबे रवां का मालिक, सबका कहना हरदम ये समरा, वही कवि वना तवा का मालिक। अब आप इस हम्द का खुद से मुतालिया करें, खुद पढ़ें इसको। हमने नज़्म पढ़ ली, अब हम नज़्म में मौजूद मुश्किल अल्फाज के मतलब पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिनके मतलब हमें नहीं आते हों। तो चलिए उन अल्फाज के मतलब पढ़ते हैं। हमारा सबसे पहला लफ्ज़ है दो जहां। जी, तो दो जहां का मतलब होता है दुनिया और आखरत। दुनिया और आखरत, दो जहां, क्योंकि हम मुसलमान हैं और मुसलमान इस बात पर यकीन रखते हैं कि अल्लाह ताला ने ये दुनिया बनाई है और एक दिन ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी और फिर आखरत होगी जिसमें हम सब के अमाल का हिसाब होगा। हमारा अगला लफ्ज है शजर। शजर से क्या मुराद होती है? शजर का मतलब होता है दरख्त। हज क्या चीज है? पत्थर, पहाड़ और मैदान, फूल फल गुलिस्तां। ये गुलिस्तां क्या होता है? गुलिस्तां का मतलब होता है बाग। चांद सूरज चमकते सितारे, इल्म अकल और जां का मालिक,
इन सब के मतलब तो हमें आते हैं, हम आगे बढ़ जाते हैं। दरिया, समुंदर, बरसता बादल, बरसता बादल, बरसता बादल का मतलब होता है बारिश। साकिन, साकिन क्या चीज है? साकिन का मतलब है रुका हुआ। साकिन वो आबे रवा देखते हैं क्या होता है। चलता हुआ पानी, आपका मतलब पानी और रवा चलता हुआ, आबे रवा चलता हुआ पानी, इसका मतलब हुआ रुका हुआ और चलता हुआ पानी का मालिक। मालिक से मुराद है आका। सबका कहना हर दम, हर दम से मुराद है हर वक्त। सबका कहना हर दम ये समरा, समरा, समरा इस इन शायरा का नाम है जिन्होंने ये हम्द लिखी है। समरा, सबका कहना हर दम ये समरा, वही कवि। कवि क्या होता है? कवि होता है ताकतवर, ताकतवर के लिए कवि भी इस्तेमाल होता है। कवि व नातवा, नातवा का मतलब है कमजोर। वही कवि व नातवा का मालिक, वही ताकतवर और कमजोर का मालिक जी। तो प्यारे बच्चों, मेरा ख्याल है अब आपको इन तमाम मुश्किल अल्फाज के मतलब आ गए होंगे। ठीक है, अब आप इन तमाम अल्फाज के मतलब एक दफा अच्छे से दोहराएं। हमने हम्द पढ़ी, अब हम हम्द से मुतल्लिक चंद सवालात के जवाब देंगे। हमने सबक के आगाज में पढ़ा था हम्द किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों बताएं, हम्द किसे कहते हैं? जी, हम्द अल्लाह ताला की तारीफ में लिखी गई नज़्म को हम्द कहते हैं। अब हमारा अगला सवाल है, अल्लाह की बनाई हुई कोई सी पांच नेमतों के नाम लिखिए। तो हमने नज़्म में बहुत सी चीज़ों के नाम पढ़े। जैसा कि शजर, दरख्त, आसमान, पानी, और कौन कौन सी चीज़ों के बेटा नाम पढ़े बताएं? चाँद, सूरज, चमकते सितारे, दरिया, समुंदर। हम जानते हैं कि इस दुनिया की तमाम चीज़ें अल्लाह ताला ने बनाई, तो जो कुछ भी अल्लाह ताला ने बनाया है वो सब हमारे लिए उनकी नेमत है। सो अल्लाह ताला की बनाई हुई नेमतें हैं बहुत सारी। दिए गए अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर कीजिए। हमारे पास ये अल्फाज दिए गए हैं, हमने इन अल्फाज की मदद से इन खाली जगह को पुर करना है। अल्लाह, बादल, चांद, गुलिस्तां, सितारा, हमें इन सब अल्फाज के मतलब आते हैं। हमने अभी अपनी किताब में पढ़े हैं ये सब अल्फाज। अल्लाह, बादल, चांद, गुलिस्तान, गुलिस्तान का मतलब होता है बाग, सितारा। चलिए अब हम खाली जगह पुर करते हैं। डैश चमकता है, क्या चमकता है? अल्लाह, बादल, चांद, गुलिस्तान या सितारा? चांद चमकता है,
ये एक बरसता डैश है, अल्लाह बादल गुलस्तान या सितारा। क्या एक बरसता डैश है, क्या चीज़ बरसती है? बादल बरसता है, ये एक बरसता बादल है। फूल डैश में खिलते हैं, अल्लाह गुलिस्तान या सितारा। कौन सा लफ्ज़ आएगा? फूल डैश में खिलते हैं, गुलिस्तान में खिलते हैं। फूल गुलिस्तान में खिलते हैं। दो जहां का मालिक डैश है, दो जहां का मालिक अल्लाह सितारा। इन दोनों में से कौन सा लफ्ज आएगा? दो जहां का मालिक अल्लाह है। डैश की जमा सितारे हैं, सितारा की जमा सितारे हैं। हमने अपने सबक में हम्द के मुतालिक पढ़ा आज के। अब हम देखेंगे कि आज के लिए आपका घर का काम क्या है। आज के लिए आपका घर का काम है दिए गए अल्फाज की अरकान साजी कीजिए। ये तमाम सवालात आपकी सबक के सफ़ा नंबर 3 और 4 पर मौजूद हैं। आपकी किताब के सफ़ा नंबर 3 और 4 देखिए, उन पर ये सवालात मौजूद हैं। आप इन सवालात के जवाब अपनी किताब में लिख सकते हैं। हमारा पहला सवाल क्या है? दिए गए अल्फाज की अरकान साजी कीजिए। ये अल्फाज दिए गए हैं, आपने इनकी अरकान साजी करनी है। जैसे कि बादल, बादल। इस तरीके से आपने इन तमाम सवालात की अरकान साजी करनी है। आप इन तमाम अल्फाज की अरकान साजी करेंगे। फूल, मालिक, सूरज, साकिन, इन तमाम अल्फाज की आप अरकान साजी करेंगे। यह आपका एक होमवर्क है। दूसरा घर का काम है आपका, बेतरतीब अल्फाज को तरतीब देकर बामायनी जुमले बनाइए। जैसा कि बनाई ये दुनिया है अल्लाह ने, अब हमने इन तमाम अल्फाज को जोड़कर एक जुमला बनाया है। ये दुनिया अल्लाह ने बनाई है। इसी तरह से ये तमाम अल्फाज जो हमें दिए गए हैं, हम इनकी मदद से एक एक जुमला तहरीर करेंगे। इन अल्फाज की मदद से जुमला बनाएंगे और यहाँ तहरीर करेंगे। इसी तरह इन अल्फाज की मदद से जुमला बनाएंगे और यहाँ तहरीर करेंगे, फिर इन अल्फाज की मदद से और फिर इन अल्फाज की मदद से। तो आप 4 जुमले बनाकर यहाँ पर लिखेंगे। ये था हमारा आज का सबक। अगले सबक तक के लिए अल्लाह हाफिज़।